गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले, और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा। और जब मैं आयुष्मान भारत की बात करता हूं, 10 करोड़ परिवार यानी क्या, 50 करोड़ जनसंख्या यानी क्या, बहुत कम लोगों को अंदाज होगा कितनी बड़ी योजना है। अगर मैं अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको इसकी जनसंख्या मिला लूं तो करीब करीब इतने लाभार्थी ये आयुष्मान भारत योजना में है। हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे तब मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे। अब हम मानव सहित गगनयान लेकर के चलेंगे और ये गगनयान जब अंतरिक्ष में जाएगा, हिंदुस्तानी लेकर के जाएगा। आज हमारा पूरा ध्यान कृषि क्षेत्र में आधुनिकता लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए चल रहा है। हमने सपना देखा है किसानों की आय दोगुनी करने का, आजादी के 75 साल हो, किसानों की आय दोगुनी करने का सपना देखा है। हमारी महिलाएं अपने पराक्रम से आगे बढ़ रही हो तो कभी कभी विकृतियां भी हम देख रहे हैं, और महिला शक्ति को चुनौती देने वाली राक्षसी शक्तियां भी कभी कभी उभर करके आ जाती है। बलात्कार पीड़ादायक है, लेकिन बलात्कार की शिकार उस बेटी को जितनी पीड़ा होती है, उससे लाखों गुना पीड़ा हमें देशवासियों को, देश को, जनता को, हर एक को लाखों गुना पीड़ा होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये राक्षसी मनोवृत्ति, उससे समाज को मुक्त कराना होगा, देश को मुक्त कराना होगा। देश में 2013 तक डायरेक्ट टैक्स देने वालों की संख्या 4 करोड़ थी, यानी पिछले 70 साल की हमारी गतिविधि का परिणाम था कि देश में डायरेक्ट टैक्स देने वाले 4 करोड़ लोग थे। लेकिन भाइयों बहनों, ये 4 करोड़ से भी कम 2013 तक, और आज ये संख्या करीब करीब दोगुना होकर के 7.25 करोड़ हो गई है। कहां 3, 3.5, 4.5 करोड़ और कहां 7.25 करोड़, ये ईमानदारी का जीता जागता उदाहरण है। देश ईमानदारी की ओर चल पड़ा है, इसका उदाहरण। आज दुनिया से एक ही बात आ रही है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, एक के बाद एक नीति विषयक समयबद्ध निर्णय के सिलसिला। दुनिया चिंतित थी कि दुनिया को डुबेने में भारत भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है, फ्रेजाइल 5 में हमारी गिनती हो रही थी, लेकिन आज दुनिया कह रही है भारत मल्टी ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया है। सोए हुए हाथी ने अपनी दौड़ शुरू कर दी है। कोई उज्ज्वला योजना का लाभार्थी होता था, गैस कनेक्शन का लाभार्थी, डुप्लीकेट गैस कनेक्शन वाला, कोई राशन कार्ड का लाभार्थी होता था, कोई स्कॉलरशिप का लाभार्थी होता था, कोई पेंशन का लाभार्थी होता था, लाभ मिलते थे। लेकिन 6 करोड़ लोग ऐसे थे जो कभी पैदा ही नहीं हुए, जिनका कहीं अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन उनके नाम से पैसे जा रहे थे।
इस सरकार ने इसको रोका है। भ्रष्टाचार, काला धन, ये सारे कारोबार को रोकने की दिशा में हमने काम उठाया है। 90,000 करोड़ रुपया जो गलत लोगों के हाथ में गलत तरीके से गलत कामनाओं से चले जाते थे, वो आज देश की तिजोरी में बचे हैं, जो देश के सामान्य मानवी की भलाई के लिए काम आ रहे हैं।